नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको पेपर नवम के यूनिट फर्स्ट के टॉपिक ग्रेडिंग प्रणाली के बारे में बच्चों पढ़ा रही हूँ। क्या होती है ग्रेडिंग प्रणाली बच्चों, वो देखते हैं हम इस वीडियो में। ग्रेडिंग प्रणाली, आप सब जानते हो बच्चों कि आज हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें जो परीक्षा अंकों के आधार पर जो बच्चे का मूल्यांकन किया जा रहा था उस पर बार बार सवाल उठाया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि अंकों के आधार पर केवल बच्चे का मूल्यांकन होने से बच्चे के संपूर्ण विकास का मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है, बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का जो मूल्यांकन है वो नहीं हो पा रहा है। आप सब जानते हैं बच्चों कि इतिहास, भूगोल, कई ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से 99 मार्क्स नहीं लाए जा सकते, जबकि मैथ्स, फिजिक्स, कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप 100 में से 99 नंबर भी ला सकते हैं। तो इतिहास में कम अंक आते हैं बच्चे के और गणित में अच्छे अंक आते हैं, तो उसके आधार पर बच्चे का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता बच्चों। तो हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली या एक ऐसी मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता थी जो बच्चों का निरंतर और सतत मूल्यांकन करता रहे, जिससे छात्र अपनी शैक्षिक उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त कर सके। इसके अलावा शिक्षक भी समय समय पर जान सके कि उन्होंने जिन शिक्षण विधियों के माध्यम से बच्चे को पढ़ाया है क्या वो सीख रहा है, कितना सीख रहा है और आगे क्या क्या प्रयास किए जाने हैं। ये इसके लिए एक ऐसी मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता थी और उसी आवश्यकता को पूरा किया बच्चों ग्रेडिंग प्रणाली ने, जिसकी शुरुआत हमारे भारत में 2009-10 में जो है, जिस ग्रेडिंग प्रणाली का प्रारंभ हुआ उस ग्रेडिंग प्रणाली की आवश्यकता क्यों थी वो हम देखते हैं बच्चों। पहला है आपका अंकन प्रणाली में कमी। आप सब जानते हैं बच्चों कि 100 में से एक बच्चे के 99 नंबर आ रहे हैं, एक बच्चे के 91 आ रहे हैं, एक बच्चे के 95 नंबर आ रहे हैं, तो इनकी योग्यता में ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन अंकों ने इनको अपने आप में क्या कर दिया, इनको विभाजित कर दिया कि जिस बच्चे के 99 मार्क्स आए हैं वो 95 बच्चे की तुलना में ज़्यादा बेटर है। बट ऐसा होता नहीं है। हमारे जो शिक्षा प्रणाली है उसमें अंकों के आधार पर, प्राप्तांकों के आधार पर जो मूल्यांकन किया जा रहा था उसमें अनेक कमियां दिखी। बच्चे का पता नहीं चल पा रहा था कि बच्चे में कौन सी क्वालिटी है और बच्चे में कौन सी कमियाँ हैं। अगर बच्चे में जिस चीज़ की क्वालिटी है उसको प्रोत्साहित कैसे करना है और जो कमियां उसमें हैं उसकी तरफ उसका ध्यान डाइवर्ट करते, जिसमें वो दक्ष है उसकी तरफ बच्चे को ज़्यादा रुचिपूर्ण बनाया जाना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा गणित में अच्छा हो वो साइंस में भी अच्छा हो। कोई बच्चा इतिहास में अच्छा होता है, कोई बच्चा हिंदी को अच्छे से कर पाता है, तो उनकी योग्यता की पहचान इन परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर नहीं हो पा रही थी बच्चों। तो अंकन प्रणाली की इस कमियों को दूर करने के लिए हमारे देश में ग्रेडिंग प्रणाली को लागू किया गया। पहला रीजन था अंकन प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए, क्योंकि अंकन प्रणाली ने छात्रों का वर्गीकरण ही प्राप्तांकों के आधार पर किया जाने लगा था कि जिस बच्चे के 100 में से 50 नंबर आ रहे हैं या जिस बच्चे के 59.5% आ रहा है उसको द्वितीय श्रेणी करार दे दिया। ऐसा क्यों? क्या 59.5% एक बच्चा लेके आ रहा है और एक बच्चा 60% लेके आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर छात्र का वर्गीकरण कर दिया कि जिसके 60% आ रहे हैं उसको प्रथम श्रेणी बना दिया और जिसके 59.5% आ रहा है उसको द्वितीय श्रेणी करार दे दिया। तो छात्रों में ही विविधता कर दी, छात्रों में ही क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर। लेकिन सही अर्थों में बच्चों, जिस बच्चे के 59.5% है और एक बच्चे के 60% है उनमें ज़्यादा फर्क
नहीं होता है बच्चों, लेकिन इस अंकन प्रणाली ने उन बच्चों को अलग कर दिया, एक को प्रथम श्रेणी घोषित कर दिया और एक को द्वितीय श्रेणी घोषित कर दिया। तो इस प्रकार की जो परीक्षा प्रणाली थी उससे बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही थी बच्चों। इसलिए अंकन प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए हमारे देश में जिस प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ उसी को बोलते हैं बच्चों ग्रेडिंग प्रणाली। फिर दूसरा है परीक्षा संबंधी तनाव में कमी। आप सब जानते हो बच्चों, जो बच्चा द्वितीय श्रेणी का है वो पुरजोर जोर लगा देता है कि उसको 60% तो बनानी ही है। अगर उसको क्या लाना है, फर्स्ट डिवीजन लाना है, तो बच्चे के ऊपर परीक्षा के समय बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। जबकि ग्रेडिंग प्रणाली में बालक की हर एक्टिविटी का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। परीक्षा के समय ही नहीं, बच्चे का हर बच्चे का हर दिन ग्रेडिंग प्रणाली में क्या किया जाता है बच्चों, मूल्यांकन किया जाता है। इसमें ना केवल परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेडिंग निकाली जाती है बल्कि बच्चे की अदर कैरिकुलर एक्टिविटीज की भी ग्रेडिंग निकाली जाती है। उसके बाद आता है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 मुदालिय शिक्षा आयोग, उसने भी ये बात कही कि परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर जो बालकों का मूल्यांकन किया जा रहा है वो गलत है। अंकन प्रणाली में बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिससे छात्र का सही अर्थों में मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग और कोठारी शिक्षा आयोग ने इस प्रकार के सुझाव दिए कि ग्रेडिंग प्रणाली को भारत में लागू करवाया जाना चाहिए। इसीलिए हमारे देश में ग्रेडिंग प्रणाली को लागू करने के लिए प्रयास किए गए बच्चों। तो ग्रेडिंग प्रणाली के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग और कोठारी शिक्षा आयोग ने भी क्या दिए बच्चों, सुझाव दिए थे। उसी के बाद है सभी विषयों में अंक आधारित मूल्यांकन सही नहीं। देखो बच्चों, आपको मैंने पहले भी बताया परसेंटेज सभी विषयों की बनाई जाती है। अब मान लो किसी बच्चे के गणित में से 100 में से 99 मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन इतिहास जैसे जो आर्ट्स के विषय हैं उनमें 100 में से 99 नंबर लाना बहुत हार्ड होता है। तो दोनों को अगर हम मूल्यांकन के एक ही आधार पर मूल्यांकन कर रहे हैं बच्चों तो वो सही तरीका नहीं है। इसलिए सही तरीका अपनाने के लिए हमने ग्रेडिंग प्रणाली की शुरुआत की थी। उसके बाद आता है परंपरागत मूल्यांकन प्रणाली, वो ही परीक्षा अंकों के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन किया जाता था। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, ये तीन परीक्षाओं का आयोजन करके और उन अंकों के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन कर दिया जाता था। बल्कि आज जो मूल्यांकन प्रणाली है वो कह रही है, और जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, कि बालक का सतत एवं समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। और सतत और समग्र मूल्यांकन तभी हो सकता है जब बच्चे की हर दिन की एक्टिविटी को नोटिस किया जाए, उसने क्या सीखा, कितना अधिगम किया, कितना वास्तविक अनुभवों में उसको उपयोग कर रहा है, इन सब के बारे में हमने क्या किया बच्चों, इन सब के बारे में हम आज की जो शिक्षा या मूल्यांकन की जो प्रणाली है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंदर जो हमने ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाया है उसके आधार पर बालक के सर्वांगीण विषयों का, सर्वांगीण पक्षों का विकास किया जा सकता है। वरना बालक के किसी एक पक्ष का विकास किया जाएगा, बच्चा पाठ्य पुस्तकों को रटने पर निर्भर हो जाता, केवल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने पर जोर दिया जाता और अदर एक्टिविटीज जो कैरिकुलम एक्टिविटीज है उसमें बच्चा ध्यान नहीं दे रहा था। इसीलिए हमारे देश में ग्रेडिंग प्रणाली को लागू किया गया ताकि हर बच्चा जो अलग है उसकी क्वालिटी को पहचान कर उसको उस दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। इसीलिए हमारे देश में बच्चों ग्रेडिंग प्रणाली की क्या की गई, शुरुआत की गई थी बच्चों। उसके बाद आता है सही मार्गदर्शन। आप सबको पता है ग्रेडिंग प्रणाली में हर सब्जेक्ट की अलग अलग ग्रेड बनती है। उस ग्रेड के आधार पर बच्चा अपने आप आकलन कर पाता है कि कौन से विषयों को वो अच्छा कर पा रहा है, कौन से विषयों को नहीं कर पा रहा है। खेल में उसकी रुचि है, चित्रकला में उसकी रुचि है, वाद विवाद में उसकी रुचि है,
पॉलिटिक्स में जाने की उसकी रुचि है तो अपनी रुचि संबंधी चीजों को वो पहचान पाता है। इसके अलावा टीचर भी हर दिन अगर बच्चे की एक्टिविटी को देखता है तो उसे क्या मिलता है, सही मार्गदर्शन मिलता है और उन्हें पता चल जाता है कि किन शिक्षण विधियों के माध्यम से बच्चा अच्छा अधिगम कर सकता है, छात्र की विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए ये हमें ग्रेडिंग प्रणाली के माध्यम से पता चलता है बच्चों। इसीलिए हमारे देश में 2009-10 में ग्रेडिंग प्रणाली को लागू किया गया। क्यों किया गया? पहला, अंकन प्रणाली में कमी, परीक्षा संबंधी तनाव में कमी करने के लिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग और कोठारी शिक्षा आयोग के सुझाव, सभी विषयों में अंक आधारित मूल्यांकन सही नहीं, परंपरागत मूल्यांकन प्रणाली और सही मार्ग दर्शन, ये सब इसके क्या रहे हैं बच्चों? कारण रहे हैं। इसीलिए हमने 2009-10 में ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाया। अब बात आती है ग्रेडिंग प्रणाली को क्यों अपनाया, इसके पीछे गुण क्या है, क्या है ग्रेडिंग प्रणाली में कि हमने भारत में 2009-10 में शिक्षा प्रणाली में अभूतपूर्व सुधार करने के लिए, बच्चे को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए हमने ग्रेडिंग प्रणाली को बच्चों अपनाया, तो क्या क्वालिटीज है इसमें वो देखते हैं बच्चों। पहला है छात्रों के अध्ययन और परीक्षा संबंधी तनाव को क्या करना, कम करना। छात्र में एक होवा था, एक डर था, एक तनाव था कि परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे तो ही उसे अच्छा छात्र माना जाएगा, लेकिन आज ऐसा नहीं है बच्चों। बच्चा जिस कैरिकुलम एक्टिविटीज को अच्छा कर रहा है उसी दिशा में उसको बच्चे को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो छात्रों की अध्ययन संबंधी और परीक्षा संबंधी जो तनाव था उसको कम किया जा रहा है। किस पद्धति के माध्यम से? ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर। उसके बाद आता है जो साल भर मेहनत करते हैं, जो बच्चे साल भर मेहनत करते हैं बच्चों, उनको परीक्षा के दौरान कई बार नहीं पढ़ पाते। आप सब जानते हैं बच्चों, हम सब भी जानते हैं, हम जिस शिक्षा प्रणाली के दौर से गुजरे हमें इस बात का पता है कि कई बार ये होता था कि सुबह एग्जाम 7 बजे है और हम रात भर क्या नहीं कर पाए, पेपर नहीं कर पाए, रट नहीं पाए, तो हमारे उस पेपर में नंबर कम आ जाते थे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि हमें उस सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं था, हमने उस चीज का अधिगम नहीं किया। लेकिन बच्चों, हमारी जो मूल्यांकन प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली की जो अंकन प्रणाली के आधार पर जो प्राप्तांक दिए जाते हैं उसके आधार पर ही मान लिया जाता है कि हमने कितना सीखा। तो इस तनाव को कम करने के लिए कि परीक्षा के दौरान जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, जो साल भर पढ़ते हैं, साल भर पढ़ते हैं तो उनका मूल्यांकन ग्रेडिंग प्रणाली में हो सकता है, आपकी परंपरागत शिक्षा प्रणाली में नहीं हो सकता बच्चों। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चे साल भर मेहनत करते हैं लेकिन कब नहीं कर पाते, परीक्षा के दौरान जो बच्चे मेहनत नहीं कर पाते, उनके लिए जो प्रणाली अपनाई गई है उसी का नाम है बच्चों ग्रेडिंग प्रणाली। उसके बाद आता है बच्चों अंकों के आधार पर छात्रों के वर्गीकरण को कम। आप सब जानते हैं बच्चों कि अंकों के आधार पर छात्रों के वर्गीकरण कर दिया जाता था कि ये बच्चा प्रथम श्रेणी है, ये बच्चा द्वितीय श्रेणी है, ये बच्चा तृतीय श्रेणी है और ये बच्चा फेल हो गया है। जो बच्चा फेल हो जाता था उसको सामाजिक तनाव का शिकार होना पड़ता था, कुसमायोजित हो जाता था, हीन भावना का विकास हो जाता था। लेकिन ग्रेडिंग प्रणाली में ऐसा नहीं है बच्चों। ग्रेडिंग प्रणाली में इस बात का आभास कराया जाता है कि वो किस चीज में अच्छा है, किस चीज में अच्छा नहीं है। जिस चीज में अच्छा है उसी को प्रोत्साहित किया जाता है बच्चों ग्रेडिंग प्रणाली में। छात्रों का वर्गीकरण अस्वस्थ रूप से नहीं किया जाता है। अति उत्तम छात्रों के मध्य अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को कम करना। आप जानते हो जिस बच्चे के 99 आ गए, एक बच्चे के 95 आ गए, एक बच्चे के 91 आ गए, तो वो बच्चे एक दूसरे से अस्वस्थ कंपटीशन करने लग जाते हैं। उनके मन में भावना आ जाती है कि मेरे 95 नंबर ही क्यों आए,
95 इतने अच्छे नंबर आ गए, उस पर उसका ध्यान नहीं होता कि उसने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए, बस उसको मतलब ये था कि 99 उस बच्चे के क्यों आ गए। तो वो उसी की दौड़ में लग जाता है, केवल परीक्षाओं में बहुत रटन प्रवृत्ति का जो है धीरे 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 पाठ्य पुस्तकों पर जोर देने लग जाता है, तनाव होने लग जाता है। और आजकल आप देख ही रहे हैं जो हमारे समाज में हो रहा है, 10th और 12th के जो बच्चे हैं वो परीक्षा के तनाव के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं, माइग्रेशन जैसी समस्या उन बच्चों के सामने आ जाती है, वो समाज के साथ बच्चों समायोजन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमारे देश में बच्चों ग्रेडिंग प्रणाली का शुभारंभ किया गया। उसके बाद आता है सामाजिक दबाव को कम करना। आप सब जानते हो बच्चों, आजकल जिस बच्चे के जो आपकी पहली परीक्षा प्रणाली थी उसमें कहा जाता था 91% आए हैं, किसी बच्चे के 50% आए हैं, तो जो 50% आता था उसके ऊपर सामाजिक प्रेशर डाला जाता था कि माता पिता का प्रेशर, आस पड़ोस का प्रेशर, वो बच्चा घर से बाहर नहीं निकल पाता था। क्यों? क्योंकि उसके परीक्षा के प्राप्तांक क्या आए हैं, कम आए हैं बच्चों। तो सामाजिक प्रेशर बच्चे के ऊपर था कि उसके परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो एक सामाजिक प्रेशर को कम करने के लिए ग्रेडिंग प्रणाली को लाया गया। तो सामाजिक दबाव को कम करती है ग्रेडिंग प्रणाली, और अधिगमकर्ता के लिए लचीला है। अधिगमकर्ता जो सीखने वाला है उसको पता चलता है कि कब सीख रहा है, जब अच्छा सीखता है उसके अच्छे नंबर आते हैं, जिस दिन वो कम सीखता है उसके नंबर कम आते हैं। हर दिन नया होता है, हर दिन नया सीखता है, तो अधिगमकर्ता के लिए एक लचीलापन है। उस पर ये जोर नहीं दिया जाता कि उसने परीक्षा के प्राप्तांक कमाए हैं, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। ये आपके ग्रेडिंग प्रणाली के गुण हैं। अब देखते हैं ग्रेडिंग प्रणाली के दोष क्या है बच्चों। ग्रेडिंग प्रणाली में बच्चों जो अच्छी स्थिति वाले हैं, जैसे 99% जिस बच्चे के नंबर आ रहे हैं, और 91 वाले को भी ए ग्रेड मिल रही है, 91 से लेकर 99 वाले जो बच्चे हैं उन सबको क्या मिल रही है, ए ग्रेड मिल रही है। तो यहाँ पर जो 99 नंबर लेके आ रहा है बच्चा, वो बच्चा क्या होता है, हतोत्साहित होता है। तो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए ग्रेडिंग प्रणाली अच्छी नहीं है। उसके बाद आते हैं परिश्रमी छात्रों को हतोत्साहित कर देती है, वो लाना ही नहीं चाहते कि 99 नंबर लाके भी क्या करना है, 92 आएंगे तो भी ए ग्रेड मिलेगी, 93 लाएंगे तो भी ए ग्रेड मिलेगी। तो यहाँ पर जो परिश्रमी छात्र है उनको हतोत्साहित करती है आपकी कौन सी प्रणाली, ग्रेडिंग प्रणाली। अच्छे अंक की अवधारणा, कि बच्चे को परीक्षा में अच्छे अंक लाने, ये अवधारणा क्या होती जा रही है, दिन प्रतिदिन समाप्त होती जा रही है। 90 प्राप्तांक और 99 प्राप्तांकों में इसमें कोई विभेद नहीं है। इस आधार पर भी ग्रेडिंग प्रणाली की आलोचना की जाती है, लेकिन बच्चों ऑल ओवर अगर बच्चों का मूल्यांकन करें, छात्रों को प्रोत्साहित करना है, उसके संपूर्ण पक्षों का विकास करना है, तो आज हमारी शिक्षा प्रणाली में ग्रेडिंग प्रणाली एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है। अब बात आती है ग्रेडिंग प्रणाली में गणना कैसे की जाती है। देखो बच्चों, UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1975 और 76 में अनेक कार्यशालाएं आयोजित की, और उसने 7 बिंदु दिए ग्रेड प्रणाली के। कितने बिंदु दिए, 7 बिंदु दिए, 7 बिंदु जो है ग्रेड प्रणाली के लिए दिए। किसने, UGC ने। पहला दिया ओ, पहला क्या दिया ओ, फिर दिया ए बी सी डी और ई और एफ, ये 7 बिंदु जो है ग्रेडिंग प्रणाली के अंतर्गत दिए गए। उसमें कहा गया कि जो ओ है वो विशिष्ट बालक है, ओ जिसके ग्रेड आती है बच्चों वो कौन सा बालक है, विशिष्ट बालक है। ए जिसके आ रही है वो अति उत्तम बच्चा है, बहुत अच्छा, जो 91 से लेकर 99 के बीच में जो मार्क्स लेके आएगा उस बच्चे को कौन सी ग्रेड दी जाती है बच्चों, अति उत्तम ए ग्रेड। फिर आता है बी, जो उत्तम होते हैं वो बच्चे जो होते हैं वो ग्रेड बी कहलाते हैं। सी ग्रेड एवरेज बच्चों को दिया जाता है, जिनका IQ लेवल 90 से 110 के बीच में होता है। उसके बाद आता है निम्न, जो औसत से कम होते हैं बच्चों वो निम्न में आते हैं, और यहाँ तक बच्चे को पास किया जाता है। डी से कम
और डी वाले बच्चे को ये कहा जाता है कि आप आगे आने वाला जो सेमेस्टर है उसमें और अच्छे क्या लाएंगे, अंक लाएंगे, और अच्छा पढ़ेंगे, उसके लिए उसको कहा जाता है। और निकृष्टतम और एक होता है अति निकृष्टतम। ई और एफ को आगे तभी भेजा जाता है जब वो बहुत अच्छे क्या कर सकते हैं बच्चों, मार्क्स गेन करते हैं। तो ये 7 ग्रेड है बच्चों, ओ ए बी सी डी ई और एफ। ओ विशिष्ट, ए अति उत्तम, बी उत्तम, सी औसत, डी निम्न, ई निकृष्ट और एफ होता है अति निकृष्ट। और इनको अंक भी दिए गए हैं बच्चों। जो आपका ओ है उसको 6 अंक दिया है, ए को 5 नंबर दिया है, बी के ऊपर 4 दिया है, सी का 3 दिया है, ई का 2 दिया है, डी का 3 दिया है, ई का 2 दिया है, एफ का 1 दिया है। इस तरीके से जो है इसको अंक दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों। डी को 3 है, ई को 2 है, एफ को 1 है। तो इस तरीके से इनको क्या दिया गया है, एफ डी को 2 होगा, 6 5 4 3 2 1 0, एफ का 0 है, ई का 1 है, डी का 2 है, जी इसका 6 5 4 3 2 1 0, ऐसे इनको हम क्या किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं बच्चों। तो ये हमारी ग्रेडिंग प्रणाली है, इसके आधार पर आज हमारी परीक्षा प्रणाली का मूल्यांकन किया जाता है। तो आज हमने ग्रेडिंग प्रणाली के बारे में पढ़ा, इसके आगे आने वाले वीडियोस में इसके आगे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ग्रेडिंग प्रणाली वाला जो टॉपिक है बच्चों वो आपके सीटेट, रीट, बीएड सेकंड ईयर, इन सब में उपयोगी है। और आप तो बीएड सेकंड ईयर के छात्र हैं, आगामी टीचर बनने वाले हैं, शिक्षाविद बनने वाले हैं, आपको इस सीसी मॉडल, इस ग्रेडिंग प्रणाली का ज्ञान होना बच्चों अति आवश्यक है। इसलिए ग्रेडिंग प्रणाली और बीएड सेकंड ईयर के बच्चों का सिलेबस करवाने के लिए आगे के वीडियोस मैं तभी बनाऊंगी जब आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक्स करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट्स देंगे। तो आगे के वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूँगी। धन्यवाद।